अल्फा बीटा गामा डीके, ये कब होता है? जब एक अनस्टेबल न्यूक्लियस टूटता है। क्यों टूटता है? अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। और अनस्टेबल क्यों होता है? अनस्टेबल इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं और बाइंडिंग एनर्जी उसकी पर न्यूक्लियॉन कम होती है, हम डिस्कस किया था। तो या तो न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं या प्रोटॉन्स बहुत अमाउंट में होते हैं, जिससे कि वह अनस्टेबल हो जाता है और वह टूटने की कोशिश करता है दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में, ताकि वो स्टेबल हो जाए। और जब वो ऐसा करता है तो अपने अंदर से या तो अल्फा पार्टिकल निकालता है या बीटा निकालता है या गामा निकालता है। अब इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। हमने अभी याद किया हुआ अल्फा निकालता है, बीटा निकालता है, गामा क्यों निकालता है, इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला डीके कौन सा है? अल्फा डीके। अल्फा डीके क्या होता है? अल्फा डीके तो हमने डिस्कस किया था कि एक्स मान लो कोई न्यूक्लियस है या एटम है, एजेड, एटॉमिक मास नंबर ए और एटॉमिक नंबर जेड है, तो इसमें से अल्फा पार्टिकल निकल गया। अल्फा पार्टिकल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हीलियम 4-2, ये अल्फा पार्टिकल है। तो एक नया न्यूक्लियस बनेगा या एटम बनेगा वाई, जिसका ए विल बी रिड्यूस्ड बाय 4 एंड जिसका जेड विल बी रिड्यूस्ड बाय 2। तो ये रूल क्लियर है। तो आज की बात कभी भी अल्फा पार्टिकल रिमूवल कहेगा तो अल्फा पार्टिकल रिमूव करने में हम क्या करेंगे? हीलियम 4-2 निकाल देंगे और एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर में से 4 और 2 माइनस कर देंगे। जैसे मान लो कोई भी एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास नंबर 212 और 83 है, तो एक नया एलिमेंट बनेगा, अल्फा पार्टिकल निकलते ही हीलियम 4-2। हीलियम 4-2 का मतलब ये 212 माइनस 4 हो जाएगा और ये 83 माइनस 2 हो जाएगा। अल्फा पार्टिकल नॉर्मली तब निकलता है जब किसी भी एटम का जो मास ए की मास नंबर है वो 210 से बड़ा होता है, बड़े न्यूक्लियस में, बड़े एटम में निकलता है ये, जब ये टूटता है। तो क्लियर है अल्फा पार्टिकल डीके। तो अल्फा डीके के अंदर ये पॉइंट समझ में आ रहा है, अल्फा डीके क्या चीज़ है। अब इसमें बेसिकली एक टर्म यूज करेंगे जिसको क्यू वैल्यू बोलते हैं, इसको डिटेल में आगे स्टडी भी करेंगे हम। क्यू वैल्यू क्या होती है? डिफरेंस बिटवीन रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड प्रोडक्ट्स। देखो कोई भी जब रिएक्शन होता है उसके कुछ जो है उसके कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो रिएक्शन करते हैं और कुछ प्रोडक्ट हैं जो निकलते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जो रिएक्शन कर रहे हैं उनका जो मास है और जो प्रोडक्ट निकला उनका जो मास है, वो मास को आप एनर्जी इक्वलेंट कर लो, मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर लो बाय mc². तो अगर आप जो उसके रिएक्टेंट्स हैं उसकी एनर्जी में से प्रोडक्ट की एनर्जी को माइनस कर दें, रिएक्टेंट्स की एनर्जी में से प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस कर दें, तो जो डिफरेंस आएगा उसको क्यू वैल्यू बोलते हैं। तो क्यू वैल्यू कुछ नहीं है, एनर्जी का डिफरेंस है। किसका एनर्जी का डिफरेंस है? रिएक्टेंट्स की एनर्जी माइनस प्रोडक्ट की एनर्जी, सिंपल। इसको और डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, लिखा भी हुआ है। UI का मतलब है रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इनिशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और UF का मतलब फाइनल कॉन्स्टिट्यूएंट, जो प्रोडक्ट बना, ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट है। और Q वैल्यू क्या चीज़ है? UI माइनस UF। अब ये जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा दैट विल बी अवेलेबल एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब ये क्या लाइन लिख रहे हैं? जैसे सपोज करो रिएक्टेंट्स की एनर्जी 100 जूल है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी 80 जूल है। आप सोच रहे हैं कि 100 में से 80 जूल की एनर्जी रह गई, 20 कहाँ गई? 20 या तो हीट की फॉर्म में बाहर आएगी, या जो प्रोडक्ट निकलेगा, प्रोडक्ट न्यूक्लियस हैं वो ना बहुत तेज मूव करेंगे, क्योंकि वो 20 जूल किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? दी फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है जो अल्फा पार्टिकल निकलेगा उसमें से या कोई भी और पार्टिकल निकलेंगे वो मूव करते हुए जाएंगे और उनकी काइनेटिक एनर्जी में ये मास का डिफरेंस जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऐसा कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो अल्फा डीके समझ में आ रहा है, तो हीलियम 4-2 निकालना है, अल्फा डीके हो गया, बात खत्म।